आपको मेरा फेस ऐसे ही दिखेगा दो दिन तक बिना चश्मे। तो गाइस घड़ी देके आ गए हैं लिखने का, तो याद कर ले। चक्की में गेहूँ पीस रहे हैं। तो गाइस हमने ये बैग ले लिया, ये देखिए अब चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हो लोग नए व्लॉग में। सो गाइस सुबह के 9:30 बज गए हैं और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने थोड़ी सी लेट करी है क्योंकि मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं और कान्हा जी भी आज एकेडमी नहीं गए, इनका मूड नहीं था, बोल रहा था आज मेरे थकान सी हो गई है तो मैं नहीं जाता हूँ, शाम को जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है क्योंकि दो दो टाइम हो रहा है ना तो थकान हो ही जा रही है। सो गाइस चलिए अब करते हैं और काम, एक काम रह गया है पेंडिंग, एक तो चश्मे का फ्रेम ठीक करवाना है और एक घड़ी ना बंद पड़ गई, एक दो तीन दिन से गलत टाइम बता रही है तो घड़ी ठीक करवानी है। टाइम सही चलता है ना ऐसे घड़ी में तो सही रहता है, बंद घड़ी अच्छी रहती है। हाँ क्या बोला था खाना। सो गाइस हमारे घर में दो घड़ियाँ हैं, हाँ दोनों खराब हो रही है। एक चल रही है धीरे धीरे, थोड़ा टाइम दे रही फिर रुक रही है, बट एक बिल्कुल बंद पड़ी है तो पहले उसको ठीक करवा के लेके आते हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं। चलिए गाइस चलते हैं। चलते हैं, दे दिया चश्मा, अब दो दिन तक नहीं होगा चश्मा देखने में, आपको मेरा फेस ऐसे ही दिखेगा दो दिन तक बिना चश्मे। अभी ये वाला पहन लिया धूप के लिए। सो गाइस घड़ी के शोरूम में आ गए हैं, अब इस घड़ी को ठीक करने के लिए दे देते हैं पहले। सो गाइस घड़ी देके आ गए हैं और शाम को बोला उन्होंने शाम के टाइम आना लेने के लिए, खुशी की घड़ी का हमने वो लगा दिया है पट्टा, अब घर की तरफ जा रहे हैं और बहुत धूप हो रही है। गाइस सुबह सुबह देखो मार्केट में कितना रश हो गया, ये कच्चे क्वार्टर है। तो गाइस चलिए थोड़ा सा गन्ने का जूस पिया जाए, गर्मी बहुत हो रही है और बाहर तो बहुत बुरा हाल है, तो चलिए थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ। बच्चो क्या ये चश्मा लाए हैं, घड़ी लाए हैं। सो गाइस आ गए घर पे, मैं कैसे हो गए पागल जैसी, अंधी जैसी दिख रही हूँ ना, और वो बड़ी वाली घड़ी, ओ मेरे आंखों में ऐसा लग रहा है अंधी अंधी हो गई, उधर जगमग 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 हो रहा आंखों के अंदर। चलो गाइस आ गए हैं, गाइस खुशी घड़ी का ये देखो पट्टा लगा के लिया है, सेम टू सेम लग रहा है ना, बोल रही है नहीं ये डिफरेंट है, ये हल्का सा शेड, हाँ तो ये कंपनी का अलग होता है, फास्ट ट्रैक की वॉच है और उस पर अलग ये लगेगा तो थोड़ा तो पतला लगेगा ना लेकिन सॉफ्ट तो है ना, खराब हो जाएगा जल्दी टूट जाएगा, देख लेंगे। उस वहीं से कराया है हमने जहाँ फास्ट ट्रैक की वॉचेस थी ना वहीं से करवाया, कंपनी का बाबू जो वॉच के साथ आता है वो नहीं मिलता, ब्रांडिंग होती है वहाँ पे नाम लिखा था, फास्ट टैग इस पे नहीं लिखा। क्या है बोलना, यहाँ क्यों आ गया तू, तूने क्या किया, फोन देखा और बस स्कूल का काम हो गया सारा लिखने का, तो याद कर ले, याद मैं नहीं करूँ। भर गया, हाँ वन टू थ्री, ओ चिपली हवा मुझे स्टार्ट करते हैं, कोई चिपली नहीं है हमारे रूम में, कौन खुल पापा, अरे अच्छा वो तेरी दो ये छिपकली पता है उससे आई है कूलर से, मैं पानी भर रही थी ना तब अंदर आ गई, दो छिपकली, एक तो गई दूसरी कहाँ, एक इसके बीच चली गई, अब तो रहे तो उसके बीच चली गई तो नहीं जाएगी, ना ना आ जाएगी आ जाएगी, ये तो बड़ी है सामान गिरेगा, एक छिपकली यहाँ थी, अच्छा है देखने, वो ना मैंने कूलर में पानी डाला था ना तो तब वो चिपकी थी वहाँ पे तो वो इधर आ गई खिड़की से, अबे नीचे ना आ जा जमीन पे, वो आ गई। नहीं नहीं चलो छोड़ो रहने दो, उसके पीछे से नहीं जाएगी वो, हट जाएगी उसको, वो आ गई आ गई आ गई आ गई 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 बाहर चली गई कूलर के अंदर गई, हां
हाँ कूलर के अंदर चली चली गई चली गई। हाँ नहीं अंदर नहीं गई नीचे गई। नहीं नहीं अंदर घुस गई नीचे मम्मा। अरे पापा छोड़ो चली बंद कर दो चलो क्योंकि मोटी हो रखी हो। सो गाइस टाइम 4:30 हो गए हैं और कान्हा जी जा रहे हैं अब एकेडमी क्योंकि सुबह नहीं गया नहीं लड़का। सो गाइस चलिए चलते हैं वो जो वॉच दे रखी है वो लेके आते हैं। और आज मेरा फेस कैसे दिख रहा है ना बिना चश्मे के अजीब दिख रहा है। अजीब सा हो जा रहा है मेरा फेस आज चश्मा ही नहीं है और दिख भी ऐसे धुंधला धुंधला ही रहा है। तो चलिए चलते हैं पतंग उड़ाने लग गए बच्चे। Told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you're trying to stay so guys ghadi theek ho gayi hai ab aage dekhte hain hum log aaye Geeta Bhavan chowk pe के टाइम बहुत रश हो रहा है इधर। हम बैग की शॉप पे जा रहे हैं ये है ना। तो गाइस हमने ये बैग ले लिया ये देखिए अब चलते हैं घर की तरफ। सत्संग भवन ये भी फुटबॉल में हवा भरने के लिए लाए। गाइस ये देखो यहाँ पे चक्की में गेहूँ पीस रहे हैं। देखो चक्की है यहाँ पे आटा ही चल रहा है। थोड़ा यहाँ पे रुक गए हैं गाइस अंकल लगे हुए हैं तो चलो हम चलते हैं कान्हा की एकेडमी। अब गाइस ये देखो ये सारे फुटबॉल वाले बच्चे हैं ये कैसे खेल के आ रहे हैं। गाइस आ गए घर पे बहुत थकान हो गई बाप रे सर में दर्द हो रहा है। मेरा आज चश्मा नहीं पहना है ना। ठीक है खुशी सही लग रहा है ठीक है चलो। सो गाइस टाइम हो गया सोने का लेकिन नींद नहीं आने वाली। भैया मेरे तो आज सर में दर्द इतना हो रहा है ना बता नहीं सकती। चश्मे नहीं पहने ना आज पूरे दिन यहाँ की नसें खिंच रही है पूरी और गर्मी भी बहुत है क्या बताऊँ अभी मैं मुँह धो के आ रही हूँ कैसा लग रहा है पसीना पसीना हो रहा होगा जैसे लेकिन वाकई में बहुत गर्मी है। सो गाइस हम बहुत जल्द गांव जाने वाले हैं क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं गांव जाने की और बहुत जल्द आपको मेरा गांव देखने को मिलेगा। सो गाइस ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे गांव को देखिएगा हम उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ की वादियाँ आपको दिखाई देगी तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा स्टे ट्यून। मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय।